हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम्स अप्रोच विद रेफरेंस टू डेविड ईस्टन्स इनपुट आउटपुट मॉडल, और ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है एंड पार्ट वन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट वन में वी लर्न अबाउट द सिस्टम्स अप्रोच, इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे इमर्ज हुई, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ और इसके फीचर्स क्या है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल को समझने से पहले जो इस वीडियो का पार्ट वन है उसे ज़रूर देखें, आपको तभी ये मॉडल बेटर वे में समझ आएगा। सिस्टम्स अप्रोच स्टडीज द इंटरैक्शंस बिटवीन द एलिमेंट्स इन द सिस्टम एंड लुक्स फॉर देयर रिलेशनशिप अमंग देम एंड द फैक्टर्स दैट हेल्प मेंटेन द सिस्टम। सिस्टम्स अप्रोच क्या क्या स्टडी करता है, ये स्टडी करता है इंटरैक्शन को जो कि एक सिस्टम में बिटवीन द एलिमेंट्स होती है। एक सिस्टम में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें पार्ट्स या ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है और सब सिस्टम्स भी कहा जाता है, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। सिस्टम्स अप्रोच इसी इंटरैक्शन को स्टडी करती है एंड इट लुक्स फॉर द रिलेशनशिप अमंग देम, हाउ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, ये भी सिस्टम्स अप्रोच स्टडी करती है एंड द फैक्टर्स दैट हेल्प मेंटेन द सिस्टम, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू एक सिस्टम मेंटेन रहता है, दिस इज ऑल्सो स्टडीड अंडर दिस अप्रोच। सो डेविड ईस्टन अप्लाइड द सिस्टम्स अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू हिज सिस्टम्स एनालिसिस। सिस्टम्स अप्रोच जो कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, डेविड ईस्टन ने इस अप्रोच को अप्लाई किया पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी के लिए थ्रू हिज सिस्टम्स एनालिसिस, जिसे इनपुट आउटपुट मॉडल कहा जाता है। तो डेविड ईस्टन ने जो सिस्टम्स एनालिसिस किया है उसे इनपुट आउटपुट मॉडल कहा जाता है। द मेजर वर्क्स ऑफ डेविड ईस्टन रिलेटेड टू सिस्टम्स अप्रोच इंक्लूड, डेविड ईस्टन के सिस्टम्स अप्रोच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्क्स है द पॉलिटिकल सिस्टम, An approach to the analysis of political system, a framework for political analysis, and a system analysis of political life. Easton's system approach is explained through his input-output model. Just like अभी हमने discuss किया था कि Easton के system approach को input-output model कहा जाता है. The center theme of his work is how the political systems manage to remain firm in a world full of instability and change. And to answer this question, he believes that it is necessary to examine the way in which the political system interacts with the environment. David Easton का concern था ये जानना कि political systems इतने strong कैसे बने रहते हैं एक ऐसे world में जहाँ इतनी ज़्यादा instability है, जहाँ changes होते रहते हैं। और इस factor को जानने के लिए उन्होंने systems approach को apply किया politics की study के लिए। और ईस्टन ये भी मानते थे कि अगर उन्हें अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो ये भी स्टडी करें कि पॉलिटिकल सिस्टम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे इंटरैक्ट करता है, क्योंकि इन वेरियस सिस्टम्स के बीच में एक इंटरडिपेंडेंस होती है। एज पर ईस्टन, पॉलिटिकल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरैक्शंस थ्रू विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स, That is authoritative and binding values, decisions, policies. Easton के अनुसार political system एक ऐसा set of interactions है जिसके द्वारा inputs को outputs में convert किया जाता है, decisions में या policies में convert किया जाता है, और outputs को उन्होंने authoritative allocation of values भी बोला है। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज मीन्स कि सोसाइटी में कैसे वेल्थ को, पावर को, स्टेटस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ईस्टन, पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां ना ही सिर्फ इंटरैक्शंस होती थी बल्कि अथॉरिटेटिव वैल्यूज को बनाया जाता था और उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता था। अब हम समझते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल को। इस मॉडल का सबसे पहला कंपोनेंट है सिस्टम। पॉलिटिक्स इज अ सेट और सिस्टम ऑफ इंटरैक्शंस डिफाइंड बाय द फैक्ट दैट
They are more or less directly related to authoritative allocation of values for the society. Politics एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर इंटरैक्शंस होती हैं एंड थ्रू दैट एक सोसाइटी में अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज होता है, यानी कि पॉलिसीज एंड डिसीजंस को बनाया जाता है ताकि वेल्थ पावर स्टेटस का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सके. इसका सेकेंड कॉम्पोनेंट है एनवायरमेंट. अदर aspects ऑफ द सोसाइटी दैट फॉल outside द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड considered सब सिस्टम्स ऑफ द सोसाइटी constitute द एनवायरमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. एनवायरमेंट में क्या आता है? ऐसे सभी aspects सोसाइटी के जो कि पॉलिटिकल सिस्टम की बाउंड्री से बाहर आते हैं और उनको सब सिस्टम माना जाता है सोसाइटी का, वो आते हैं एनवायरमेंट में. तो सब सिस्टम में आता है जैसे कि सोशल सिस्टम या रीजनल सिस्टम. पॉलिटिकल सिस्टम के अलावा जो सब सिस्टम्स हैं वो एनवायरनमेंट में आते हैं. द एनवायरनमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. अब एनवायरनमेंट में भी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आते हैं. पहला है इंट्रा सोसाइटल, सेकेंड इज एक्स्ट्रा सोसाइटल. तो इंट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट क्या होता है? That part of the social and physical environment that lies outside the boundaries of a political system but within the same society. तो intra-societal environment में आता है एक ऐसा environment जो कि होता तो political system की boundary से बाहर है लेकिन society same होती है. Intra-societal environment का example ये है कि अगर हम India के political system की study कर रहे हैं तो जो India की society है वो इंट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट होगी जिसमें सारे सब सिस्टम्स इंक्लूडेड होंगे एक्सेप्ट द पॉलिटिकल सिस्टम. फिर आता है एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट विच इज द सिस्टम दैट लाइज आउटसाइड द सोसाइटी ऑफ विच द पॉलिटिकल सिस्टम इज इटसेल्फ अ सोशल सब सिस्टम. तो इसका एग्जाम्पल होगी इंटरनेशनल सिस्टम. इसमें आते हैं ऐसे सिस्टम्स जो एक पॉलिटिकल सिस्टम की सोसाइटी से बाहर लाई करते हैं. तो अगर हम इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट में क्या आएगा? एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट में आएगा द इंटरनेशनल सिस्टम बिकॉज इट लाइज आउटसाइड द सोसाइटी विच इज इंडिया. तो इंडिया के अलावा जितनी भी सोसाइटीज हैं वो सब एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट में आएंगी. नेक्स्ट कॉम्पोनेंट आर द इनपुट्स. अब इनपुट्स क्या होते हैं? अब हम समझते हैं ना कि इनपुट आउटपुट मॉडल है जिसमें इनपुट को आउटपुट्स में कन्वर्ट किया जाता है. तो ये इनपुट्स होते क्या हैं? इनपुट्स इंक्लूड द डिमांड्स एंड सपोर्ट. इनपुट्स में आता है डिमांड्स और सपोर्ट. डिमांड्स क्या होती है? डिमांड्स तो होती हैं वॉन्ट्स ऑफ पर्सन्स और ग्रुप्स प्लेस्ड बिफोर द पॉलिटिकल सिस्टम. तो डिमांड्स तो हम सब समझते हैं क्या होता है. हर इंसान की पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ ना कुछ डिमांड्स होती हैं, वो डिमांड्स में आता है. और सपोर्ट में क्या आता है? सपोर्ट में आता है एक्शंस दैट मे इंक्लूड वोटिंग फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ओबीडियंस टू लॉज, शोइंग सपोर्ट टुवर्ड्स अथॉरिटीज. तो सपोर्ट में आता है पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति सपोर्ट दिखाना किसी ना किसी फॉर्म में. उसमें अलग अलग एक्शंस आते हैं जैसे कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए वोट करना, टैक्सेस पे करना, लॉज को फॉलो करना, अथॉरिटीज या सरकार के लिए सपोर्ट शो करना, उनकी पॉलिसीज, वैल्यूज, लीगल स्ट्रक्चर, स्टैट्यूट्स के लिए सपोर्ट शो करना. ये सब आता है सपोर्ट में. और उसके बाद आती है कन्वर्जन प्रोसेस. कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है? इट इज द वे ऑफ ट्रांसलेटिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स. तो इससे जो इनपुट्स हैं ऑफ डिमांड्स, डिमांड्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. आउटपुट्स में क्या आएगा? आउटपुट्स में आते हैं पॉलिसीज, डिसीजंस. दिस इज डन बाय द लीडरशिप विच इज इन पावर. तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? लीडरशिप द्वारा जो कि पावर में है, क्योंकि वही तो पॉलिसीज बनाएंगी. जनता उनके सामने डिमांड रखेंगी कि हमें इन इन चीजों पर लॉज चाहिए, फिर वो लॉज बनाएंगे, उन लॉज को एग्जीक्यूट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव द्वारा. और ऐसे ही जो डिमांड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? रूल्स में, पॉलिसीज में, डिसीजंस में. और इन्हीं रूल्स, पॉलिसीज, डिसीजंस को क्या कहा जाता है? आउटपुट्स. आउटपुट्स आर कंसर्न विद द फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स.
इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूट्स ऑफ लीगल सिस्टम. स्टैट्यूट्स होते हैं रिटन रूल्स. एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, एक्शंस, रूल्स, पॉलिसीज, ये सब आता है आउटपुट्स में, और इसी को कहा जाता है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज और बाइंडिंग डिसीजंस. क्योंकि इसके द्वारा हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ, पावर एंड स्टेटस. इफ आउटपुट सेटिस्फाई द डिमांड्स दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द सपोर्ट. तो अगर आउटपुट्स सेटिस्फाई करती हैं डिमांड्स को, उससे क्या होगा, उससे सपोर्ट में फर्क पड़ेगा. ऑब्वियस ही बात है, अगर जो सरकार है वो आपकी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर रही है तो आप उस सरकार को सपोर्ट करेंगे. लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट आपकी डिमांड्स को सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी डिमांड्स मीट नहीं कर रही है, तो आप ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट ही नहीं करेंगे. यू विल चेंज दैट गवर्नमेंट. तो इसी को कहते हैं कि जो इनपुट्स हैं वो आउटपुट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आउटपुट्स हैं वो इनपुट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. अगर जो सरकार के द्वारा आउटपुट्स आए हैं वो लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो उनके द्वारा पॉलिसीज बनाई गई हैं उससे लोग सेटिस्फाइड हैं, तो वो उनको सपोर्ट करेंगे. एंड सपोर्ट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, सपोर्ट इज द पार्ट ऑफ इनपुट. तो इस पूरी प्रक्रिया को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. आप देख सकते हैं दिस इज द एनवायरनमेंट. ओके, एज यू कैन सी डिमांड्स एंड सपोर्ट आर द इनपुट. तो पहले जनता डिमांड रखती है, और वो डिमांड कौन मीट करता है, वो डिमांड मीट करता है पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटिकल सिस्टम डिमांड्स को किस में कन्वर्ट करता है, लॉ बना के उसको एग्जीक्यूट करके डिसीजंस में, पॉलिसीज में, रूल्स में. तो वो बन जाते हैं डिसीजंस, और डिसीजंस क्या है, डिसीजंस आर द आउटपुट्स. तो अगर आउटपुट सेटिस्फैक्ट्री है, अगर डिसीजंस, रूल्स सरकार द्वारा बनाए गए लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जनता फीडबैक किस फॉर्म में देगी, जनता फीडबैक देगी अपने सपोर्ट के फॉर्म में. एंड सपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ इनपुट, एज यू कैन सी इट हियर. बोथ डिमांड एंड सपोर्ट आर पार्ट ऑफ इनपुट. तो ये एक प्रोसेस पूरी एक साइकिल में चलती है. एज यू कैन सी, डिमांड्स जाती हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, दे कम आउट एज डिसीजंस जो कि आउटपुट्स होते हैं. फिर आउटपुट्स जैसे भी निकल कर आते हैं, उसका फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है जनता द्वारा सपोर्ट की फॉर्म में. दिस इज द एंटायर इनपुट आउटपुट मॉडल. और यही पूरी प्रक्रिया है जिसके थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है. इस प्रोसेस में और भी एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें आता है डिस्टर्बेंसेस. अ पॉलिटिकल सिस्टम इज सब्जेक्ट टू इन्फ्लुएंसेस ऑफ मेनी काइंड्स कमिंग टू इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट और फ्रॉम थिंग्स दैट हैपन विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम विच आर डेजिग्नेटेड एज द डिस्टर्बेंसेस. एक पॉलिटिकल सिस्टम को कार्य करते समय कई चीजें प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से उसकी वर्किंग में थोड़ी अड़चनें भी आ सकती हैं, और इन्हें कहा जाता है डिस्टर्बेंसेस. तो इसका एग्जांपल है, स्ट्रेस इज अ सिवियर टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस अकरिंग इन द एनवायरनमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट इंटरफेयर्स इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टू कीप अ कन्वर्जन प्रोसेस वर्किंग. स्ट्रेस होती है एक ऐसी डिस्टर्बेंस जो कि पॉलिटिकल सिस्टम के एनवायरनमेंट में होती है, और ये पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग को इंटरफेयर करती है, जिससे कन्वर्जन प्रोसेस में अड़चनें आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो कन्वर्जन प्रोसेस कहाँ होती है, यहाँ पर होती है, इन द पॉलिटिकल सिस्टम. तो ऐसे फैक्टर्स जो पॉलिटिकल सिस्टम के कार्य करने के तरीके को प्रभावित करते हैं या उनके कार्य में कुछ अड़चने भी क्रिएट करते हैं, उन्हें कहते हैं डिस्टर्बेंस. तो फॉर एग्जांपल, फंड्स की कमी है सरकार के पास, वो भी एक तरीके की डिस्टर्बेंस ही है. पैसे की कमी की वजह से वो सारी डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिस्टर्बेंस. इसके अलावा इनपुट आउटपुट मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, दैट इज रिस्पॉन्स एंड फीडबैक. रिस्पॉन्स होता है हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू द आउटपुट्स. तो पीपल कैसे आउटपुट्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि जो डिसीजंस, पॉलिसीज, रूल सरकार द्वारा बनाए गए हैं उसके प्रति जनता का रवैया क्या है, क्या वो सेटिस्फाइड है उन डिसीजन से या नहीं है, उसे कहते हैं रिस्पॉन्स. और उसी रिस्पॉन्स के बेसिस पर जनता प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल सिस्टम को फीडबैक. और फीडबैक इस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट. और सपोर्ट क्या होता है, वोट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, पेमेंट की फॉर्म में हो सकता है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस.
किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वोट करना या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए सपोर्ट दिखाना. सो द पीपल प्रोवाइड फीडबैक ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट्स. आउटपुट्स अगर सेटिस्फैक्ट्री होंगे तो लोग फीडबैक के तौर पर सपोर्ट शो करेंगे एक पॉलिटिकल सिस्टम को. एंड दिस इज हाउ दिस इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम. एंड दिस वॉज द इनपुट आउटपुट मॉडल ऑफ डेविड ईस्टन, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग को, इसके इंटरैक्शंस को एक्सप्लेन किया है. तो जो जनरल सिस्टम्स अप्रोच थी उसको उन्होंने पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए अप्लाई किया थ्रू हिज इनपुट आउटपुट मॉडल. इस अप्रोच के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. द फर्स्ट ड्रॉबैक इज दैट इट हैज लेस एप्लीकेबिलिटी इन अ डिक्टेटोरियल मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. इस अप्रोच को हम डिक्टेटरशिप या तानाशाही की स्टडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. एंड डिक्टेटरशिप इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम. ईस्टर्न की अप्रोच डेमोक्रेसीज के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए सूटेबल है. इट गिव्स लेस इम्पॉर्टेंस टू कॉन्सेप्ट्स लाइक पावर. पावर जैसे कॉन्सेप्ट्स को इसमें लेस इम्पॉर्टेंस दी गई है कि पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे पूरी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, उस पर कोई एम्फेसिस नहीं दिया गया है. ना ही इकोनॉमिक फैक्टर्स पर कोई एम्फेसिस दिया गया है. इट ऑल्सो फेल्स टू डिस्कस द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स और ह्यूमंस इन पॉलिटिकल सिस्टम. देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम बनता किनसे है? बनता तो ये लोगों से ही है ना. जो पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्य कौन करता है? कार्य तो इंडिविजुअल्स करते हैं, ह्यूमंस करते हैं. तो ह्यूमन एस्पेक्ट की स्टडी को ईस्टर्न की अप्रोच इग्नोर करती है. लेकिन ईस्टर्न की अप्रोच के काफी सारी मेरिट्स भी हैं. द फर्स्ट मेरिट इज दैट इट रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स जिनमें काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, इन अप्रोचेस को रिजेक्ट करके ईस्टर्न ने एक नई अप्रोच दी पॉलिटिक्स को. एंड सिस्टम्स अप्रोच इज अ मॉडर्न अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स. इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स. इसमें नए कॉन्सेप्ट्स का यूज किया गया, लाइक सिस्टम, सबसिस्टम, एनवायरनमेंट, कन्वर्जन प्रोसेस, फीडबैक, रिस्पॉन्स, सेटिंग फोर्थ ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्शंस. इस अप्रोच से ऐसे कॉन्सेप्ट्स इमर्ज हुए जो कि कॉम्प्रिहेंसिव थे, उनकी यूनिवर्सल स्टडी पॉसिबल थी. हम किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की स्टडी के लिए इस अप्रोच को यूज कर सकते थे. एंड लास्टली द एम्फेसिस वाज ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी एंडेवर इन थियरी कंस्ट्रक्शन. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एक नई थियोरी कंस्ट्रक्ट की गई जो कि इंटरडिसिप्लिनरी थी. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम्स अप्रोच एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है. इसने कैसे ट्रैवल किया फ्रॉम बायोलॉजी टू एंथ्रोपोलॉजी एंड फिर ये पॉलिटिक्स में आई. सो इससे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड हुआ. दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल और सिस्टम्स अप्रोच इन जनरल. तो ये थी हमारी सिस्टम्स अप्रोच. उसके साथ ही साथ हमने समझा डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल को, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम्स अप्रोच टू पॉलिटिक्स. होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.